यार कॉन्ग्रेचुलेशन, एक ही बार में आपने एनटीपीसी निकाल दिया और वो भी हाईएस्ट एनटीपीसी की, मतलब स्टेशन मास्टर। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कितने घंटे आप पढ़ते थे, क्या तरीका आपने लगाया पढ़ाई का। भाई दे दोगे ना पार्टी? बिल्कुल भाई, फुल वेज पुलाव है, शाही पनीर है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। और गाइज, आज अभी तो हम लोग हैं बेसिकली जयपुर के अंदर, और जयपुर के अंदर बिरला मंदिर है, वहाँ पर है। पीछे आप देख रहे होंगे महादेव जी का एक मंदिर है, और आपको बता दूं कि वो मंदिर है साल में एक बार महाशिवरात्रि को ही खुलता है। ये फैक्ट काफ़ी सारे लोग जानते हैं और काफ़ी सारे लोग नहीं जानते। और आज का ये व्लॉग मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, छोटा सा ही व्लॉग होगा, बिकॉज़ अभी मेरा जो दोस्त है ना, वो भाई स्टेशन मास्टर बन गया है। तो भाई हम लोग गणेश जी के दर्शन करने आए थे, और गणेश जी के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर भी है, यहाँ पर बिरला मंदिर के अंदर है, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने दर्शन कर लिए। और अब भाई मेरा दोस्त देगा पार्टी, तो भाई अभी हम जाएंगे राजा पार्क के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर, तो वहाँ पर जाकर भाई मस्त पार्टी लेते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। तो भाई दे दोगे ना पार्टी? बिल्कुल भाई, फुल भाई बंदा एकदम मतलब बहुत जेन्यून है, और भाई हम खास हैं, हम लंगोटिया यार ही हैं ऐसे समझ लो भाई, एकदम दिल की बात दिल से, मतलब दोनों कनेक्ट एकदम। तो चले यार फिर, बिकॉज टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गए, 4:15 हो चुके हैं, तो फटाफट से चलते हैं, फिर घर भी निकलना है। तो भाई गणेश जी महाराज के यहाँ पर दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिए हैं, और थैंक यू गणेश जी महाराज को, थैंक यू भी बोल दिया है। चलो आगे फिर, अब बस राजा पार्क में चलते हैं, यहीं से चलेंगे, ठीक है। तो यार मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे कि बहुत सारे लोग, इधर आ जाओ गड्ढा है थोड़ा सा ना, तो बहुत सारे लोग यार गवर्नमेंट जो है जॉब्स की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही जिसके मतलब आप एक ही बार के अंदर मतलब स्टेशन मास्टर, मतलब हाईएस्ट पोस्ट है ना शायद ये एनटीपीसी में हाईएस्ट पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, और उसको मतलब स्टेशन मास्टर इसका मिल गया भाई, मतलब फर्स्ट पे ही है, तो काफ़ी अच्छा लगा भाई स्टेशन मास्टर मिल गया। तो यार मुझे ये चीज़ बताओ कि आपकी मतलब क्या स्ट्रेटेजी रही होगी, क्या आपकी रणनीति होगी, कितने घंटे आप पढ़ते थे, क्या तरीका आपने लगाया पढ़ाई का, वो सारी चीज़ें बताओगे आप। रणनीति में ऐसे है कि मतलब टाइम तो कोई मैटर करता है नहीं, कितने टाइम पढ़ना है, मैक्सिमम जितना हो सके उतना पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो जो ये इन्होंने बताया मतलब टाइम मैटर नहीं करता कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, मेन चीज़ है सिलेबस, टॉपिक क्लियर होना चाहिए बस। मेन चीज़ है भाई सिलेबस, टॉपिक कवर होना चाहिए। जैसे आप परसेंटेज का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो परसेंटेज के अंदर आपको ये मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि परसेंटेज का कोई भी सवाल आ गया मैं उसको साथ खेल जाऊँगा आराम से, है ना, यही बोलना चाह रहे हो। तो यही है मतलब सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए, कितने घंटे आप पढ़ते हो, कितनी किताबें आप पढ़ते हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने मतलब एक ही चीज़ को कितनी बार रिवीजन किया है, और अपने आप के अंदर ये कॉन्फिडेंस जेन किया है कि मैं किसी भी सवाल को क्रैक कर जाऊंगा, किसी भी सवाल के साथ मैं खेल जाऊंगा आराम से, चाहे कैसा भी आए, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और ये यही शायद जीके में भी होगा, जी वगैरह में सब में। तो भाई जीके का तो मैं बता दूँ, मतलब आपको वो ये रिविज़न करना ही पड़ेगा। जैसे मतलब आपने कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ ली, पहली बार पढ़ने के बाद में आपको उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये किताब आज पढ़ ली, दूसरी किताब कल और पढ़ लेता हूँ, तो भाई रिवीजन मस्ट है। यहाँ पे रिवीजन एक टूल है ना, ये कहना चाह रहे हो? तो बस यही है दोनों तीन स्ट्रेटेजी, और बाकी जितना हो सके मैक्सिमम पढ़ो, बस ये है इसमें, बस यही है स्ट्रेटेजी। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, एक ही बार में आपने एनटीपीसी निकाल दिया, और वो भी हाईएस्ट एनटीपीसी की, मतलब स्टेशन मास्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्या क्या है इसके अंदर, ऐसा करता हूँ मैं शाही पनीर मंगवा लेते हैं, ठीक है फिर, शाही पनीर कर देते हैं, और हाफ ये मतलब पुलाव कर लेते हैं, बस इतना बहुत है, हाफ पुलाव शाही पनीर फाइनल। भाई साहब वेज पुलाव है, शाही पनीर है, और तंदूर की रोटियाँ हैं। थैंक यू भाई, देखते ही भाई यम्मी यम्मी सा लग रहा है, मस्त आराम से चिल कर आराम से खा, अभी तो एक रोटी और आ रही है हमारे लिए। ये देखो भाई खाली कर करके फेंक दिए। तो भाई यार मस्त खाना पीना खा के बस रेडी हो चुके हैं, और अब घर जा रहे हैं, ये अब जाएंगे जगतपुरा। आप जगतपुरा जाओगे ना? और भाई मैं जाऊँगा अपने रूम पे, बस थैंक यू भाई। तो भाई अब यहाँ से जाना है हमको ट्रांसपोर्ट नगर, और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हमें यहीं से लोकल साधन मिलेगा, तो बस पकड़ते हैं एक बार घूमी पे ट्रांसपोर्ट नगर। कितने कितने लोग हैं? आ जा। बस भाई ये अंकल जी मस्त मिल गए। तो बस इस व्लॉग को इतना ही करते हैं यार, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं।